हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दनिष्ठ लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हमें चाहिए, तो उसी को देखते हुए हमने ये प्रश्न बनाया है जो कि SSC GD में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो ये प्रश्न जो है टोटल वो 100 है, तो आइए वो प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC। ठीक है, UPSC की सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा आयोग मतदाता सूचियों तैयार करवाता है? तो ये निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी इकाई है? तो ये संविधान नेतर इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और 213 में जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। छोटा मोटा जो डिटेल होता जाएगा वो मैं करता जाऊंगा, बड़ा डिटेल ज्यादा करने से ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति जो 1947 में गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर लिया गया था? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो ये 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद है 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्राप्त है। और कितना भाग में? तो भाग 3 में प्राप्त है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, मुख्यमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति किसी निर्णय को लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो ये साधारण बहुमत से ही अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? तो ये समावर्ती सूची में आता है, समावर्ती सूची की संख्या भी जो है 51 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 सॉरी वो 52 है। ठीक है, 52 है समावर्ती सूची, और राज्य सूची जो है वो है 61, और केंद्र सूची जो है वो 100 है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, कौन सा, थोड़ा मिला भी लीजिएगा बुक में, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये चेंज भी होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? तो ये भारत के संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों की जो है वेतन, अभी जो है मुख्य न्यायाधीश उनका वेतन है 2,80,000, याद रखेंगे, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके 2,50,000 पेमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा का गठन वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 संविधान सभा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 280 वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है 73वां
संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 324 में वर्णित है, ठीक है। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग किसमें है, तो वो 324 में है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है, तो यह प्रथम अनुसूची में है, राज्यों का संघ, प्रथम अनुसूची राज्यों का संघ वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जो 1947 में आया था, भारत विभाजन माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, इससे पहले जो है वो ओम प्रकाश रावत थे, अभी कौन है ये आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता जो राज्य में होता है महाधिवक्ता, और केंद्र में होता है महान्यायवादी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और ये जो है महाधिवक्ता, इसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। राज्य वाले को एडवोकेट जनरल और केंद्र वाले को अटॉर्नी जनरल, ये आप इंग्लिश में भी याद रख लीजिए, काम देगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, इन्हें सौर कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई, तो 1977 में, ठीक है, 1977 में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा वमपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, तो यह अनुच्छेद है 25 द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है, तो यह जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाया गया है कि कहीं भी निवास नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति जाकर, ठीक है, वहां प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं, तो ये औद्योगिक नीति 1956 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, तो सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक समानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस नगर की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है वहां किस समिति का गठन किया गया है, तो वार्ड समिति, वार्ड परिषद जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 16 है, ठीक है, 16 याद रखिएगा, सभी को नौकरियों में समानता के लिए कहा गया है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में अपना संविधान कब अंगीकार तथा लागू किया था, तो 9 जनवरी 1957।
ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। 1957 ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 1957 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? तो भारत की जनता, भारत की जनता ही जो है राजनीति का शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन तो वो 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समावर्ती सूची की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समावर्ती सूची। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो ये परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी जो है चुनाव आयुक्त कौन है वो मैंने आपसे प्रश्न में पूछा है, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समावर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था? तो कौन सा विषय जोड़ा गया था? जनसंख्या नियंत्रण। एक बात और आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कि जो है किसी भी चीज को जोड़ने का जो कार्य है वो 42वां संविधान संशोधन में अधिकतर हुआ था, ठीक है, और किसी भी चीज को हटाने का वो 44। ये आप तुक्का समझ के इसे अगर आप मारेंगे तो ये ज्यादातर आपका सही ही होगा, ठीक है, 42 में जोड़ने का और हटाने का 44, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो देखिए अभी मैंने बताया था जोड़ने का कार्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो 1976 में आया था, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, और 25 वर्ष लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, और विधानसभा में भी 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष, और राज्यसभा में 30 वर्ष। इसे आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, मैंने आपको बताया था पहले भी। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अगला है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो ये भी प्रधानमंत्री होता है। ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये जरूर ही एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति थे? ठीक है, तो वो राजीव गांधी थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तिथि तय करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तिथि तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, ये 6 माह, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये संविधान से जुड़ा हुआ बहुत से ऐसे चीज है जो 6 माह के अंदर आता है, ठीक है, अगर 6 माह आपको दिखाई देता है कहीं भी और संविधान का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप मारिएगा, तो 90% है कि वो सही हो जाएगा, 95% रख लीजिए कि वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो 6 माह ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 के तहत क्या है? विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन आपात की घोषणा किस वर्ष की गई थी?
किस वर्ष जो है आपात की घोषणा की गई थी 352 अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये 1962 में की गई थी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? स्पीकर यानी कि अध्यक्ष ही होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है, तो ये नीलम संजीव सिंह रेड्डी है, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है? तो वो 280 अनुच्छेद में है वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, और अभी जो है सदस्य कितने हैं? तो 545 सदस्य अभी हैं, ठीक है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का वर्णित है 315 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना था? तो बी आर अम्बेडकर को। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा, ठीक है, इसको आप दो बार तीन बार जितनी बार हो सके आप ध्यान दे दीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये एक दो तीन नंबर जरूर आपको दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 2 सितंबर 1959 को किया गया। ये कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, ठीक है, और ये 40 अनुच्छेद के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? कितने वर्षों के लिए होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 6 वर्ष के लिए होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद जो है उसे घटाकर 6 कर दिया गया है, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है, जिससे कि अधिकार की संख्या 6 हो गई है। नेक्स्ट है, किन अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? तो समानता का अधिकार किस में है? 14 से 18। नेक्स्ट है, आपातकाल के कारण किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक था? तो ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल अधिक था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ आपात लगने के कारण इसे बढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, और इस पे कुल जो है 114 दिन बहस भी चली थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में की गई है? तो ये 7वीं अनुसूची में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे, ठीक है, बीजी खैर थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग जो है
कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61, ये याद रखिएगा आप। राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन्हें 14 दिन पहले ही लेटर देना होता है, लिखित पत्र। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो समावर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस सूची में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। नेक्स्ट है, और संघ सूची मैंने बताया था आपको 100 है। नेक्स्ट है, कौन संसद का त्रावसान और संसद के शस्त्र को आहूत कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है, संसद को बुला भी सकता है और उसे विघटन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और 2018 में जो है इनके वेतन में कुछ चेंजिंग हुई है, बढ़ी है, तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति का जो है वेतन 5 लाख है, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, और अन्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के वो 2,50,000 हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय अगर कहा जाए, जो हर एक राज्य में होता है एक उच्च न्यायालय, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी जो है 2.5 लाख है, और वहाँ के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी सैलरी कितनी है? 2,25,000, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि 2018 में चेंज हुई थी, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के शस्त्र को कौन आहूत तथा स्थगित कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है, राज्य विधानमंडल है इसीलिए राज्यपाल करेगा। ये सब भी आपको थोड़े अपना सेंस लगाना है ये सब क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेखित की गई है? तो भाग 2 में उल्लेखित की गई है नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया, किस देश से ली गई है? ठीक है, राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लगाने का जो है प्रक्रिया वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, ठीक है, तो विधि की समय प्रक्रिया पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 76, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये 12वीं अनुसूची में है नगर प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, संविधान की व्यवस्था करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, संविधान की व्याख्या करने की अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय की। यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों हमारे 100 प्रश्न, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न थे, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है हमने SSC GD के जो एग्जाम अभी आ ही गए हैं, जिनका डेट भी दे दिया गया है, इसके लिए बनाया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम और आपके लिए लाते ही रहेंगे, तो इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ GD के लिए ही हमने बनाया है। तो यहाँ खत्म हो जाती है 100 प्रश्न, तो मिलता हूँ दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।